सलमान खान के संजय लीला बंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म इंशाल्लाह से बैकआउट करने के बाद ऐसा लगा कि शायद ये फिल्म अब डब्बा बंद हो जाएगी। संजय लीला बंसाली के साथ कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के वजह से जब सलमान ने इस फिल्म से बैकआउट किया तो हमें लगा कि ये फिल्म शेल्व हो जाएगी। पर दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंशाल्लाह पर एक बार फिर से काम शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, आई एम पलक एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते सलमान ने इंशाल्लाह से बैकआउट कर लिया था, जिसके बाद सबको ऐसा लग रहा था कि अब ये फिल्म नहीं बनने वाली है। लेकिन फिर कुछ सोर्सेज ने बताया कि सलमान को रिप्लेस करेंगे शाहरुख इस फिल्म में, बट इस पे संजय लीला बंसाली ने कभी भी कुछ कमेंट नहीं किया। बट अब अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो संजय लीला बंसाली ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट में थोड़े माइनर चेंजेस करने के बाद सलमान खान को रिप्लेस करके इस फिल्म को फिर से बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, अभी सोर्सेज का बाजार गर्म है कि इस बार इस फिल्म में आलिया भट्ट को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी एक्टर कौन होने वाला है इस बारे में अभी कोई कॉन्फर्म सोर्सेज नहीं बता पाए हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सलमान खान को रिप्लेस करके इंशाल्लाह बन पाएगी? आपको क्या लगता है इंशाल्लाह में कौन से एक्टर को सपोर्ट करना चाहिए? मुझे बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।